पिछोर कृषि मंडी में मूंगफली फसल का किसानों को नहीं मिल रहा उचित भाव, जिससे नाराज किसानों ने मंडी गेट के सामने मेन रोड पर किया चक्काजाम। चक्काजाम लगभग 3 घंटे से लगा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तहसीलदार शिव शंकर गुर्जर ने किसानों से बात की और किसानों की समस्याओं को सुना। नाराज किसानों ने तहसीलदार को बताया कि मंडी के व्यापारी की मिली भगत रहती है, जिससे हम किसानों को उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। हम सभी किसान दिन रात करके मेहनत करके फसल तैयार करते हैं और मंडी में हम उसे फसल बेचने जाते हैं तो हमें उचित दाम नहीं मिलता है, जिससे हम सभी किसान नाराज है। इसलिए आज मंडी के बाहर मेन रोड पर हम सभी किसानों ने चक्का जाम किया है। हमारी फसल का उचित दाम हमें दिया जाए, यही हमारी मांग है। चक्का जाम में फंसे यात्रियों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। कई एम्बुलेंस भी चक्का जाम में फंसी रही। पिछोर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने नाराज किसानों को समझाइश दी और चक्का जाम खुलने को कहा। सत्येंद्र यादव। अच्छा, किसान हैं आप जी? अच्छा, आज ये मंडी के आगे जाम लगा है, कृषि मंडी के आगे जी। क्या समस्या है किसानों की? समस्या ये है किसानों की, यहाँ तक फसल ला रहे हैं कैसी मेहनत करके अपनी, और यहाँ पे सही दाम नहीं लगाया जा रहा फसल की। सभी किसान रोड पे आ गए हैं कि हमें दाम सही मिलना चाहिए फसल की। जो मतलब किसानों को मूंगफली फसल का दाम सही नहीं मिल रहा, मूंगफली फसल का दाम सही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, इससे परेशान है किसान? परेशान है साहब, जितनी मेहनत के बाद यहाँ पे आ रहे हैं सर, वागे बाद वानी अपनी मनमस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे से इशारा करके रेट सही नहीं लगा रहे हैं। एक दूसरे को सारा कर देता है तो वहीं डाउन होके बस बोली बढ़ा ही नहीं रहे, वहाँ के बोली तो नहीं बढ़ रही, पूरी मंडी मूंगफली पड़ी है अभी। अच्छा, कोई नहीं तुलाने को तैयार है, कोई किसान नहीं तुला रहा है, कोई किसान नहीं तुलाने तैयार, इसलिए विरोध है। ये विरोध है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश कुमार राजपूत है। अच्छा नीलेश जी, कहाँ के आप? जी मैं ग्राम नया गाँव बिजरावन से हूँ। अच्छा, किसान है आप? हाँ जी। अच्छा, आज सभी किसानों ने चक्का जाम किया है, क्या है मामला? इसका प्रारूप ये है, जैसे किसान भाई यानी बहुत दूर दूर से मंडी के लिए किस लिए आते हैं कि उनका माल सही यानी कि रेट से बेचा जाए, उनका सही भाव लगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में व्यापारियों का रेट अपना अलग होता है, उनका तजुर्बा अलग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक व्यापारी नहीं होते हैं, सब लोग मिलके अपना यानी कि संगठन बना के चलते हैं। अगर व्यापारी अपना सही रेट से सही भाव लगाए तो किसान भाइयों का माल सही रूप से और सही रेट से यानी बेचा जाए। अच्छा, तो यहाँ क्या भाव लगा रहे हैं? यहाँ भाव की तो रेट ही मत पूछो, कहीं से यानी 3500 से उठा लेते कोई ढेर, कोई यानी वही 5000 से पूछ लेते हैं और कोई वो उसको भी इसमें ले लेते हैं। अच्छा, ये रेटें उनकी है। तो किसानों की मूंगफली की फसल का दाम नहीं मिल रहा है? हाँ, मूंगफली का दाम एक यानी कि सरकार से हमारी गुजारिश यह होगी कि मंडी के अंदर में रेट यानी कि एक खुलकर की जाए और साथ में और किसान भाइयों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। कहीं कोई किसान आ रहा है 100 किलोमीटर दूर से, कोई यानी वो तौल सही हो, जो यानी कि तौल में भी कर रहे हैं जो व्यक्ति, वो तौल के हिसाब से भी यानी कि कमजोर है। सर, ये किसानों ने आज मंडी के सामने चक्का जाम किया है और बताया जाता है किसानों ने ये भी बताया है कि इन्हें मंडी से भाव नहीं मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो भाव में इन्हें अंतर लगा कि पहले ज्यादा भाव था, इस बार इस बोली कम लग रही है। तो मैंने मंडी सचिव को बुलाया, अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं, इनका भी पक्ष और उनका भी पक्ष दोनों का सुन के हम निराकरण करेंगे और जो रीजनेबल रेट होंगे उन पे अपन इनको बिकवाएंगे। ठीक है।